चैप्टर नंबर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्त बॉन्ड, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया गया एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम है बॉन्ड इंथैल्पी, और बॉन्ड इंथैल्पी का तीसरा नाम क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए बाहर से दिया गया उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन का एक गैसियस मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन के गैसियस मॉलिक्यूल में उपस्थित एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जांपल, ये हमारा क्या? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो गैसियस अवस्था में, बाहर से इसको 436 किलो जूल मोल दिया गया है, और ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइटम में टूट जाता है, ये रह जाता है क्या? गैसियस फॉर्म में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हो गया 436 किलो जूल पर मोल, 436 किलो जूल पर मोल। ये पॉजिटिव बताता है कि ये प्रोसेस हो क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी देना पड़ता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड अगर हमारा मजबूत है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट बॉन्ड का मजबूती। बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हमारा क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा क्या होगा? ज़्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी हमारा कम होगा। एग्जाम्पल, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक है तो बॉन्ड ऑर्डर एक हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड टू है तो बॉन्ड ऑर्डर टू हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड थ्री है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो गया? थ्री। सिंगल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ने के लिए 347 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ता है। डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ने के लिए 610 किलो जूल पर मोल एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ने के लिए 836 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का लंबाई। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड का लंबाई। अगर बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम। अगर बॉन्ड का लंबाई छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड का लेंथ अगर छोटा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। एक्सेप्शन है यहाँ के एग्जाम्पल में, क्योंकि ये हमारे क्या? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का आइटम का साइज तो छोटा है, यहाँ का बॉन्ड लेंथ तो छोटा है। ये हो गया फ्लोरीन का आइटम, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन का आइटम, और दोनों आपस में ओवरलैप कर रहा है। फिर ये क्लोरीन का आइटम है, ये क्लोरीन का आइटम है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो बॉन्ड का लेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.44 एंगस्ट्रॉम है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का लेंथ 1.99 एंगस्ट्रॉम है, ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है 2.28 एंगस्ट्रॉम, आयोडीन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ है हमारा 2.66 एंगस्ट्रॉम। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 158 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 196 किलो जूल पर मोल एनर्जी का जरूरत पड़ता है। आयोडीन आयोडीन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है, उस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए
उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 151 किलोजूल परमोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 के एलिमेंट में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल का, 242 किलोजूल पर मोल।